वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े ही प्यार और श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास यहाँ पूरी कवर्धा की साथ संगत मिलके मना रही है। बाबा दीप सिंह जी बहुत ही अनोखे शहीद हुए हैं सिख धर्म के, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास जालंधर से ज्ञानी जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, जो लगातार कल से कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार सिख धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े दी सारे लख लख बधाई होवे जी। और आज हमारे राजा भाई खुराना, उन्होंने 11 अखंड पाठ रखवाए थे और आज 11वें अखंड पाठ की समाप्ति है जी। और मैं हमारे वाहेगुरु जी से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये सेवा हमारे भाई जी से ली, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये सेवा उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। और आप सभी लोगों का साथ रहा है तो ये सेवा बहुत अच्छे से निभी है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन्मस्तक तोर हर लिखे ते नाव सतगुर मिलया राम राजे, अज्ञान तेरा मटिया गुर ज्ञान घट बलिया। प्रोग्राम उड़ीका गया इत्थे बाबा दीप सिंह जी दे प्रकाश पुरब नूं मुख रखते हुए। बाबा दीप सिंह जी सिख कौम दे बहुत ही बड़े शहीद होए हैं, वो साडे लई मिसाल है। बाबा दीप सिंह जी साडे कौम लई कौम दे बहुत वड्डे योद्धा हैगे हैं। बाबा दीप सिंह जी ने एक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो गुरसिखी प्राप्त की सी। बाबा दीप सिंह जी ने ही अपना अरदास ते अपनी अरदास पूरी की सी। उन्हां दा सिर घर तो अलग हो गया सी, लेकिन उन्हां दी अरदास सी कि वो अपना से शीश हरिमंदर साहब ते भेट करांगे। उन्हां दा शीश घर तो अलग होने के बावजूद उन्होंने अपना शीश अपने हाथ ते अपने गली ते रख के दरबार साहब दरबार श्री हरिमंदर साहब ते जाके अपना शीश भेट किया सी ते अपनी अरदास पूरी की सी। अज आपां उन्हां दा जन्म दिहाड़ा बहुत ही खुशी नाल मना रहे हैं जी। आप सारिआं नूं बाबा दीप सिंह जी दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाइयां। तन 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 जनिया जन्म आया
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਲੋ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਗਰ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਅਹੁਜਾ ਨਈ ਗੜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਠਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਦਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੋਗਣੀਆਂ ਰਾਜ ਦੋਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਦਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤਾਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਦਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਦਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਦਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਦਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਸਭਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। जन्म दिहाड़ा, उनका जन्म 26 जनवरी सन 1682 ईस्वी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में ही नहीं वरन पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वैगुरु नाम लेवा सात संगत है, बाबा दीप सिंह जी का पावन प्रकाश पर्व मनाते हैं। बाबा दीप सिंह जी अनोखे शहीद, जिनका जन्म दिवस आज कवर्धा में बहुत ही श्रद्धा से सम्मान से मना रहे हैं, जिसमें हमारे पास विशेष रूप से
पिछले तीन दीवान से जालंधर के भाई गुरप्रीत सिंह जी आके पूरे संगत को अपने रसभिन्न कीर्तन से निहाल कर रहे हैं। गुरुद्वारा का वातावरण बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है। संगत में बहुत प्रकाश पूरब के नाम से, जन्म दिहाड़े के नाम से बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। तीनों ही टाइम नाश्ते लंगर की सेवा भी चल रही है। संगत में अभूतपूर्व विश्वास है। पूरी सात संगत को, पूरे विश्व को बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिवस की लख लख बधाई देता हूँ। पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत, 26 जनवरी 1682 दंदन बाबा दीप सिंह जी पावन प्रकाश पूरब अमृतसर पंजाब में बहुत ही श्रद्धा धूमधाम साथ मनाया जाता है जी, जिसकी खुशी देश विदेश बहुत ही धूमधाम साथ मनाई जा रही है, जिसमें कवर्धा की संगत ने विशेष सहयोग दिया और सभी सात संगत के सहयोग से, परिवार विशेष के सहयोग से हमारे बीच विशेष रूप से कीर्तन में पहुँचे भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी बल्लावर जलंधर तो विशेष रूप से पहुँचे हैं, जिन्होंने बहुत ही रसभिन्ना कीर्तन कर समूह संगतों को बड़े ही रसभिन्ना कीर्तन राही निहाल किया है जी। संगत ने बड़े ही आनंद मान के भाई साहब जी पास कीर्तन श्रवण किया है। अतः मैं जिन्हें परिवार सेवा माननीय सरदार प्रीतम सिंह सतप्रीत सिंह खुराना परिवार जिन्हों की तरफ पिछले तीन दिन तो बहुत ही लंबी सेवा हुई है गुरुद्वारा साहब सजावट दोवे टाइम लंगर अते संगता ने बहुत ही बड़ी सेवा की है। मैं परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना अते समूह संगत की तरफ परिवार के चढ़ती कला की अरदास करना। भुला चुका दी माफी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पर्व जो मनाया जाता है बहुत खुशी और सम्मान के साथ, उतना ही उनके जो ये सिख हुए हैं, गुरसिख हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके भी गुरपुरब उसी श्रद्धा के साथ, उसी भावना के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे पावन अवसर पर कवर्धा की सिख संगत और संसार के समूह गुरु नानक नाम लेवा को मैं अपनी तरफ से, प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रोग्राम में जो उत्साह के साथ संगत पहुँची हुई है और बहुत ही प्यार के साथ संगत इस प्रोग्राम का आनंद मान रही है, विशेष तौर से अपने प्रीतम सिंह जी राजा खुराना उनके परिवार की तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन उनके परिवार की तरफ से किया गया। प्रबंधक कमेटी संगत का सहयोग उनके साथ में है, उन्होंने बहुत ही गुरुद्वारे की सुंदर सजावट की, संगत भी बहुत आनंद ले रही है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं और ऐसे अवसर का लाभ संगत खट रही है। बहुत बहुत बधाई देते हुए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।